गुरुजीवर, एक प्रश्न सभी लोग मुझसे कह रहे हैं, मैं पूछूं आपसे, और वो प्रश्न है दीपावली के ऊपर। इस बार भी दीपावली की तारीखों का कुछ कंफ्यूजन चल रहा है। अमावस्या 12 तारीख के मध्याह्न से प्रारंभ हो रही है, 13 तारीख के मध्याह्न तक, 10 तारीख को माने, 11 को माने, यह तरीका। और दूसरा, कल, किस प्रकार से दीपावली मनाएं, वो भी बात इसमें जो पहली बार प्रश्न आया। अब मैं इसको थोड़ा देख करके, ये तो है कि दिवाली का बड़ा विकल्प है, 12 एक बजे के बाद से दिवाली का अमावस्या शुरू हो रही 12 को, और दूसरे दिन 2-2.5 बजे अमावस्या खत्म हो जाएगी, और दिवाली का मंत्र शाम को, तो 13 तारीख की शाम को तो मिलेगी नहीं। तो ये दिवाली किनके लिए है? उनके लिए है जो दिवाली मात्र मनाते हैं शाम की। अपन लोग तो एक दिवाली नहीं, हमारे यहाँ तो 2 दिवाली है। तो हमारी दिवाली अमावस्या से नहीं चलती, हमारी दिवाली का अमावस्या से कोई संबंध नहीं है। घर की दिवाली, मंदिर की दिवाली का संबंध तो अमावस्या से है, लेकिन घर की दिवाली का संबंध जैन दर्शन में अमावस्या से नहीं है। क्योंकि भगवान महावीर स्वामी को स्वाति नक्षत्र में, उसमें भी 2 मास हैं, 14 रत्ती है, 14 की रात्रि का अंतिम पहर था, सूर्य निकला नहीं था, अंधेरा था नहीं, और उस समय भगवान को मोक्ष हुआ था। सूर्य निकला नहीं था लेकिन अंधेरा था नहीं, वो बीच के समय में, तो रात्रि में लेके आ जाता अंतिम में। जब कोई भगवान को मोक्ष होगा तो उसी समय तो लाड़ू नहीं चढ़ पाएगा, घंटे आध घंटे तो लगेगा। तो जब लाड़ू चढ़ा तब वो अमावस्या आ गई थी। अमावस्या के प्रथम पहर में लाड़ू चढ़ा, प्रथम मुहूर्त में, और 14 के अंतिम मुहूर्त में उनको मोक्ष हुआ। दूसरे आचार्यों ने अमावस्या के प्रथम मुहूर्त में मोक्ष माना, ये भी उठते गए कार्तिक शुद्धि अमावस्या, कार्तिक बदी अमावस्या को। तो ये तो निश्चित हो गया कि भगवान का निर्माण अमावस्या को हुआ। लेकिन गौतम गंधर्व को केवल ज्ञान कब हुआ? अमावस्या को नहीं लिखा, दिन लिखा है, उसी दिन मध्याह्न में सुबह भगवान को मोक्ष हुआ और मध्याह्न में उनको केवल ज्ञान हुआ। तो अपन जो दिवाली मनाते शाम की, गौतम गंधर्व की मनाते, और गौतम गंधर्व का अमावस्या से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए अपन को सदा ध्यान रखना है, जिस दिन लाड़ू चढ़ेगा शाम की दिवाली उसी दिन होगी। सुबह निर्वाण लाड़ू, शाम को दिवाली। हम पहले दिवाली नहीं मना सकते, घर की दिवाली हम पहले मना लें, लाड़ू बाद में चढ़ाएं, तो महावीर स्वामी के मोक्ष के पहले गौतम गंधर्व को केवल ज्ञान हुआ ही नहीं। क्योंकि मंदिर का हम मालूम कल सुबह चलाएंगे, घर की दिवाली आज मना लेंगे, तो महावीर स्वामी को मोक्ष तो हुआ बाद में, पहले गौतम गंधर्व को केवल ज्ञान हो गया, तो ये तो सारी मामला उल्टा हो गया, हो नहीं सकता। बस एक सूत्र, बाकी हम टाइम टू टाइम पूरा मुहूर्त नक्शा देख करके बता देंगे। अभी तो बस एक नियम बनाए, सवेरे लाड़ू, शाम को दिवाली घर की मनाना है। शाम की दिवाली के लिए अमावस्या नहीं देखना, सुबह की दिवाली के लिए अमावस्या जरूर देखना है, ऐसा।